Names and dates. Archaeologists have been given lengthy name for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words. Paleo means old, and lithics means stone. Paleolithic means old stone, Purana stone. The name points. The name points to the importance to find of stone tools. The Paleolithic period extend from two millions. ईयर्स एगो टू अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो कितना पुराना है कितना एक्सटेंड है वो अबाउट टू मिलियंस ईयर्स एगो टू अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स एगो दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइड इन टू द लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ़ ह्यूमन हिस्ट्री और इतने टाइम पीरियड में जितनी ह्यूमन की हिस्ट्री होती है ठीक है वो सारा ही कवर करती है दिस पीरियड वेन वी फाइंड एन्वायरमेंटल चेंजेज बिगनिंग अबाउट अ ट्वेल्व थाउजेंड ई ईयर्स अगो टिल अबाउट टेन थाउजेंड ई ईयर्स अगो इस कॉल्ड अ मैसोलिथिक मीन्स मिडिलथिक यहाँ पर आपको तीन लिथिक मिलेंगे ठीक है पहला है पेलोलिथिक पैल्योलिथिक मीन्स ओल्ड ठीक है ओल्ड स्टोन के बारे में एंड मिडिल होता है आपका मैस्योलिथिक मैसेथिक जो आपका है ट्वेल्व थाउजेंड ई ईयर्स एगो से लेकर टेन थाउजेंड ई ईयर्स एगो ठीक है मिडिल स्टोन होता है वो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक इस टाइम पे जो भी उन्हें स्टोन मिले थे वो बहुत ही छोटे थे और उसका नाम क्या था माइक्रोलिथिक यानी कि उनको माइक्रोलिथिक बोला जाता था माइक्रोलिथिक पर प्रोबेबली Stuck on to handles of bone or wood to make tools such as saw and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. Is time pe hone laga? Jo. स्टोन uh, की जो चीज़ें हैं वो छोटी होने लगी ठीक है और उनके साथ बोन्स uh, के हैंडल बनने लगे लकड़ियों के वुड के हैंडल बनने लगे ठीक है उससे वो सॉ सिकल्स ये सब चीज़ें बनाने लगे एंड एट द सेम टाइम दे वर यूजिंग द ओल्ड टूल्स आल्सो वो जो उनके ओल्ड टूल्स होते थे उन्हें भी वो साथ ही साथ यूज़ करते थे प्लस उन्होंने धीरे धीरे नई टेक्निक यूज़ करनी शुरू करी द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट टेन थाउजेंड ईयर्स अगो इज़ नोन एज अ नियोलिथिक नियोलिथिक जो थर्ड वन है व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स आप क्या समझते हैं नियोलिथिक क्या होगा वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स यू विल गेट टू नो अबाउट द अबाउट दिस इन लेटर चैप्टर्स वेरी ऑफ्टन वी यूज प्रजेंट इज़ नेम ऑफ द प्लेसिज वे पीपल लिव इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वेयर दे कॉल दैम

ऑफ़ ग्रास लैंड ग्रास ग्रास होने लगी डेवलपमेंट होने लगा दिस इन टर्म्स लेट टू एंड इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ इससे क्या होने लगा इंक्रीमेंट होने लगा इंक्रीज होने लगा किन का अ नंबर ऑफ डियर्स एंटिलोब्स गोट शेप्स एंड कैटल्स दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास ऐसे एनिमल्स हु आर सर्वाइविंग और लिविंग ऑन द ग्रास जो ग्रास पर रहते हैं दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नॉट फॉलो दैम those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. fishing also became important. What, so hap what happened means uh, those who are the hunter-gatherer, now they are following them. follow they are learning. द एनिमल्स हैबिट मीन्स वट दे आर ईटिंग एंड वट टाइप ऑफ ब्रीडिंग सीजन दे आर लिविंग और मैनी मोर थिंग्स ठीक है इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रियरिंग हर्डिंग और ररिंग के बारे में भी उन्होंने सोचना शुरू करा अबाउट द एनिमल्स एंड फ़िशिंग ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट और फिशिंग को के बारे में भी उन्होंने जानने जानना शुरू किया Next, the beginning of farming and herding. This was also a time when several grain bearing grasses, including wheat, barley and rice grow naturally in different parts of the subcontinent. This is also a time where uh, several grains are bearing okay? bearing grasses, Jessica wheat, barley, rice, which they were growing naturally in a different places of subcontinent. मैन एंड वेमेन एंड चिल्ड्रेनली कलेक्टेड दीज ग्रीन्स एज फूड मीन्स दे आर कलेक्टिंग दे विल गेट टू नो मीन्स दे आर द ग्रीन्स एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर देम एज अ फूड ठीक है जहाँ से उन्हें ये चीज़ें पता लगने लगी दे हैव कलेक्टेड द ग्रीन्स एज अ फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो और उन्होंने ये भी जानने की कोशिश करी वेयर दे विल ग्रो दिज ग्रेन्स ये कहाँ पर वो उगा सकते हैं और कहाँ पर वो पक सकते हैं वेन दे रायपेंट this may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people become farmers. aur dheere dheere unhone sochna shuru kiya means uh, what they have think uh, about the growing plants on their own. wo kaise uh, plants को उगा सकते हैं and in this way the people become farmer. और जैसे-जैसे चीजें develop होती गईं, जैसे-जैसे उन्हें उनकी thinking power इन चीजों में बढ़ने लगी, दे बिके मार farmer farmer वो क्या बनने लगे farmer फार्मर कैसे बनने लगे मीन्स दे आर ग्रोइंग द ग्रेन्स वो ग्रेन्स उगाने लगे ठीक है उसे पकाने लगे उसका एज अ फूड वो यूज़ करने लगे तो उन्हें ये सारी ही चीज़ें धीरे 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 बाई थिंकिंग दे गेट टू नो उन्हें समझ में आने लगी पीपल कोड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टीम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर आफ्टर दैट पीपल्स ऑल्सो अट्रैक्ट Uh, their tame animals means a domestic animals. What they will do? They will leaving the food near their shelter, where the animals were living. T tamed animals were living there. They have left the food for them. The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. Firstly, the uh, the animal they have tamed that is dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived means later on peoples were encouraged they were interested where wherever the peoples were living nearby them animals were also living these animals such as which animals were living such as sheep goat cattle and also the pig lived in the herds and most of them ate grass Often peoples protected these animals from attacks by other wild animals. this is how they become herders. Often that what they have done peoples protected these animals from the wild animals means those animals who are attacking ticket they have protected from these wild animals also. and this is how they become herders or as herders. Can you think of any reasons why the dog were perhaps the first animal to be tamed? Next is domestication. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after the animals. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is domestication.

This is because people select plants and animals for domestication. That is why they were using for the domestication. For an example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight to the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants, means new seeds will have the same qualities, achi quality or usi same quality mein ho sake. Amongst animals, those are relatively gentle are selected for the breeding, and aise animal jinki breeding kya ho, domestication ke ho. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants,

तो ऐसे डिफरेंस करके वो प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करके उनकी केयर किया करते थे लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ दीज विच विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग और विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन इनमें से कौन सा वाइल्ड पिग uh, है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड है डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट बिगेन्स अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ई ईयर्स अगो ये जो प्रोसेस है डोमेस्टिगेशन की दैट प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टूडे इज एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिगेशन और जो हम आज फूड ले रहे हैं मतलब मीन्स वट वी आर इन टेकिंग ओके तो सो दैट प्रोसेस वी हैव टेकन फ्रॉम द डोमेस्टिगेशन डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस से ही हमने फूडिंग शुरू करी है वाई बिकॉज वी वी हैव ग्रोन द प्लान्ट एंड वी हैव लुक आफ्टर द एनिमल्स बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिकेशन हम डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस और वाइल्ड एनिमल्स की प्रोसेस को समझें देन वी हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्टू बी डोमेस्टिकेटेड वर और डोमेस्टिकेशन में कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करें लाइक like, वीट और बाले द अर्ली इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड और कुछ ऐसे डॉग के बाद ऐसे कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी आए जिसमें किसका नाम आने लगा शेप और गोट का यानि कि डोमेस्ट लोगों ने डॉग के बाद किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा किन को केयर uh, करना शुरू करा शेप और गोट को नेक्स्ट इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इन टेक सम टाइम टू ग्रो ओके मै मीन्स वेन यूज वेन यू प्लान्ट सीड ठीक है और एनी ग्रीन और समथिंग एल्स ठीक है विच यू आर ग्रोइंग यू आर नोटिसिंग दैट इट विल टेक अ टाइम टू ग्रो उसको ग्रो होने में क्या लगता है टाइम लगता है दिस में भी फॉर सेवरल डेज डेज भी लग सकते हैं वीक्स लग सकते हैं इन अ मंथ और इन केसेज ऑफ द ईयर्स कुछ केसेज में ईयर्स भी लग जाते हैं when people uh, begin growing plants it mean that they have to stay in the same place for a long time are uh, looking after the plants watering weeding driving away animals and birds till the green ripen or when they start growing jahan par wo plants ko ya seeds ko grow karna shuru karte hain they uh, they have to remain uh, there in the same place. उन्हें उसी जगह पर वहाँ पर same place पे लंबे समय के लिए रहना पड़ता है Why? बिकॉज दे विल लुक आफ्टर द प्लांट्स उसको प्लांट को देख सकें वॉटरिंग कर सकें बीडिंग कर सकें ड्राइविंग कर सकें ठीक है एनिमल्स से ड्राइविंग कर सकें या बर्ड्स से उनको ड्राइविंग कर सकें बचा सकें ठीक और या फिर उनके जो भी ग्रीन्स उन्होंने ग्रो करी हैं वो उसके पकने तक दे विल रिमेन इन दैट प्लेस उन्हें उस जगह पर रहना पड़ेगा एट दैन द बिगेन हेड टू बी यूज the grain had to be used carefully and then afterwards they will use the grain uska ripen hone ke baad they will use that grain as a food as grain had to be stored for both food and seed grains ko wo kya kar sakte hain as a food wo usi time इनटेक भी कर सकते हैं and they will store the food also. उस फूड को वो स्टोर भी कर सकते हैं यानी कि उस सीड या ग्रीन्स को जो भी उन्होंने ग्रो किया उसे वो स्टोर भी कर सकते हैं पीपल हैव टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट अब उन्हें ये सोचना है हाउ दे विल स्टोर द ग्रेन्स और सीड्स इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग अ लार्ज क्ले पॉट बहुत सारी जगहों में वॉट दे विल डू दे आर मेकिंग अ लार्ज पॉट और बास्केट जो बास्केट बनाई जाती है सिलकर के उसमें वो स्टोर करते हैं और डक पिट्स इंटू द ग्राउंड और वो क्या करते हैं ग्राउंड में पिट्स बनाते हैं एंड दे विल स्टोर द ग्रेन्स इन दैट So do you think hunter gatherers would have made and used pot? Give reasons for your answer. Next topic is storing. Storing animals. Animals multiply naturally besides if they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other ways, in other words, animals are reared can be used as a store of food as you can see animals are then uh, multiply by naturally means whatever care you will give the same they will give a reply to you how means if you are if you are look after him take you ko look after kartheho so in place of that they will give you they will provide you a milk which is an important source of food and they will give you a meat ठीक है which is also a important source of food whenever required in other ways in other words animals are the reared can be used as a store of food आप जो animals को domesticate कर रहे हो that is also a store of a food एक तरीके का आप food को क्या कर रहे हैं store कर रहे हैं ताकि वो आपकी कभी भी आपके use आ सकता आपके काम आ सकता है apart from food what are the other things that could have been obtained? obtained from animals what are animals used for today as animals can kill you use ho